मान वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है आपके? अभी मैंने जेम्स बॉन्ड भैया की अब एजेड हुए हुए एक मूवी देखी जिसका नाम है द आउटलॉज। ये आपको देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी, नेटफ्लिक्स के ऊपर। 1.5 घंटा दिखाता है, बट आगे पीछे का नामकरण डालो तो 1 घंटे 20 मिनट की पिक्चर है। बहुत ही कॉमिक तरीके का फ्लेवर देने की कोशिश करेगी है, लेकिन ये थोड़ी सी इडियोटिक हो जाती है। मैंने बहुत ज्यादा चीजें इससे एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन जो चीज देखने के लिए अच्छी लगती है वो है पियर्स ब्रॉसमैन का एजेड हुआ अवतार, थोड़ा सा कॉमिक अवतार। वो भी आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेन होता हुआ लगेगा। आपको ऐसा एक फ्लेवर आएगा कि सिर्फ स्टाइल ही नहीं बट सब्सटेंस भी है। तो इसके अंदर एक उनके जवाई हैं, होने वाले जवाई हैं, वो बैंक मैनेजर हैं, उनको यूज करके ये कुछ रॉबरी करते हैं, और रॉबरी के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है, कॉमेडी ऑफ एरर्स होते हैं, वही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। जो अच्छी चीज वो ये है कि आपको इसको ऑफ कर देने का है और ये मूवी देखनी है, और साथ ही साथ में जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिंग है, चाहे वो इनका सन इन लॉ है, चाहे इनकी डॉटर है, चाहे इनकी वाइफ जो दिखाई गई है, चाहे फिर वो जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि एंटागनिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपको कहीं ना कहीं कॉमिक फ्लेवर के साथ एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ओवर द टॉप भी चली जाती है, वो मेरी जो थोड़ी सी इसके साथ शिकायत है कि कुछ कुछ सीरियस सीन्स जो हैं उसके अंदर भी पूरा का पूरा कॉमिक फ्लेवर यहाँ पर आ जाता है। क्या ये आपको एंटरटेन करती है? यस, बट एट द सेम टाइम ये 1.5 घंटे की मूवी भी जो है ये आपको लंबी लगने लग जाती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही नॉनसेंस होना शुरू हो जाता है। ये तरीके की मूवी मेरे ख्याल से इतना थिन सा इसका प्लॉट था, सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर खत्म कर देनी चाहिए थी। वो एक शॉर्ट माइक्रो फिल्म होनी चाहिए थी, बहुत लंबी हो गई 1.5 घंटे के अंदर भी। लेकिन पियर्स ब्रॉसमैन इसकी आई वुड से बैकबोन है, अच्छा लगा उनको देख के। और जो इनका सन इन लॉ है वो भी काफी अच्छा आपको एक्टिंग करता हुआ दिखेगा। वो एक ऐसा इंसान, ऐसा किरदार निभा रहा है जो सा है, पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स इन लॉ की बड़ी कदर करता है, और बचपने में काफी कुछ उगल देता है, और उगलना कितना भारी पड़ता है वो सब चीजें आपको देखना होता है। यहाँ पर ये जो रॉबरी का स्टाइल है, यहाँ पर जो दुश्मन से लड़ने का स्टाइल है, सब कुछ कॉमिक तरीके से आपको दिखाया जाएगा। तो मोटा मोटे लेवल पे आप एंटरटेन हो जाओगे, लेकिन आपको ये थोड़ा सा स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही हल्का सा भी दिमाग लगाया तो फिर शायद आप स्विच ऑफ की जगह टीवी को ही स्विच ऑफ कर दोगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर जो है थोड़ा बैलेंस टाइप रखेंगे, 6/10। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज का। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।